हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एजुकेशन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है ईडी का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं देखा, यहाँ पे एक आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ईडी के जो RRB LPM में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको सॉल्व करने में। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम बात करेंगे ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट क्या होती है? ड्राइंग शीट कुछ इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग शीट है। और इम्पोर्टेंट जो है इसमें, ड्राइंग शीट में पूछा क्या जाता है कि जो माप रहती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनसे पूछ लिया जाता है। ड्राइंग शीट में जो माप रहती हैं, A0, A1, A2, A3, A4 और A5, इस तरह की, और इनकी जो वैल्यू दी रहती हैं वो पूछ ली जाती हैं कि A0 की जो वैल्यू है वो क्या है। तो इनको याद रखने के लिए आपको क्या, पहली जो है वो आप याद कर लो, बाकी आपको याद हो जाएंगी आराम से। पहली जो है 841 और 1189। तो आप क्या करो, 841 को इधर ले जाओ और 1189 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद 594 को इधर ले जाओ और 841 को फिर से क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे जो पॉइंट में वैल्यू है उसे छोड़ देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 420 को इधर कर दो और फिर 594 को 2 से फिर डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से आप देखोगे ये सब वैल्यू आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ड्राइंग शीट की जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, रेशियो जो लंबाई चौड़ाई का रेशियो रहता है, 1:√2 रहता है, ये आपको याद रखना है, 1:√2। और इसका क्षेत्रफल जो रहता है ये mm में है ये सब, और मीटर स्क्वायर में, एम स्क्वायर में कर दिया जाए तो 1 हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ड्राइंग शीट बनाने का कार्य क्या रहता है, ये ड्राइंग शीट जो रहती है उसमें जो ड्राइंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, और ड्राइंग शीट के अनुसार ही पेंसिल का चयन किया जाता है। पेंसिल आगे देखेंगे पेंसिल किस तरह की होती है, और ये जो स्टैंडर्ड हैं आपको याद रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बात करें तो पेंसिल, पेंसिल क्या होती है, पेंसिल जो रहती है वो 3 भागों में बांटा गया है, कुल जो रहती हैं वो 18 रहती हैं, और इनको 6-6 बात की जाए तो इसमें बांटा गया है। जैसे कि बात करें हार्ड ग्रेड, जो हार्ड श्रेणी रहती है, हार्ड पेंसिल हार्ड पेंसिल भी बोलते हैं, मीडियम ग्रेड या मीडियम पेंसिल भी बोलते हैं, और सॉफ्ट ग्रेड या सॉफ्ट पेंसिल भी बोलते हैं। तो इनमें आपको याद रखना है ये कितनी रहती हैं, हार्ड ग्रेड जो रहती है वो 6 रहती हैं, मीडियम ग्रेड 6 रहती हैं, और सॉफ्ट ग्रेड भी 6 रहती हैं, तो कुल मिला के जो रहती हैं वो 18 हो जाती हैं। अब यहाँ पे बात की जाए तो NH सबसे हार्ड रहती है, H का फुल फॉर्म की बात करें तो हार्ड होता है, और B का रहता है बॉन्ड, तो ये आपको याद रखना है। HB पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, तो हार्ड बॉन्ड। अब हार्ड ग्रेड में कौन कौन सी रहती हैं, NH के बाद आपको जो शुरू की वैल्यू वो याद रखनी है, NH के बाद 8H, 7H, 6H, 5H एंड 4H, तो आप देखोगे ये हो जाएंगी 6। ओके, और मीडियम ग्रेड की बात करें तो मीडियम ग्रेड कहाँ से स्टार्ट होती है, 3S से, 3S, 2H और H और HB और 1B, और यहाँ पे 1B के बाद 0 भी नहीं होती, तो यहाँ पे BF आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, F जो रहती है वो मीडियम ग्रेड की पेंसिल रहती है। आगे बात की जाए तो क्या, सॉफ्ट ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड में कौन कौन सी रहती हैं, सॉफ्ट ग्रेड में आप देख सकते हो ये जो रहती हैं 7B, 6B, 5B, 4B, 3B और 2B, तो ये सॉफ्ट ग्रेड में पेंसिल रहती हैं। और ये क्या रहती हैं, ये सबसे नरम पेंसिल रहती हैं, सबसे नरम कौन सी रहती है, 7B। जैसे कि बात की जाए हार्ड पेंसिल रहती है वो 9H रहती है, और सबसे सॉफ्ट पेंसिल जो रहती है वो 7B रहती है। और इसका क्या रहता है, ये जितना ये नरम होगी ना पेंसिल उतनी ही गहरी चलेगी, तो ये गहराई के लिए, गहरा एक बात की जाए डार्क के लिए यूज की जाती है पेंसिल। और पेंसिल जो रहे, पेंसिल जो मीडियम ग्रेड की रहती है, तो इनको क्या रहता है, जो मध्यम जो रेखा रहती है ना उनको खींचने के लिए किया जाता है, मध्यम रेखा या मीडियम रेखा बोल सकते हो आप, मीडियम लाइन को, तो इसीलिए इसको मीडियम ग्रेड में रखा गया है। और कठोर पेंसिल क्या रहती है, कठोर पेंसिल को उतना ही हल्का लिखा जाता है,
कठोर जितनी भी होगी उनका कम लिखेगा। और सबसे हल्की जो लिखती है पेंसिल वो कौन सी रहती है, 9H रहती है। तो ये आपको याद रखना है। एच का मतलब हार्ड और हार्डनेस भी बोलते हैं, तो ये भी आपको रखना है। और बी को वजह से कि मैंने बात की बॉन्ड, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लैकनेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो रहती है वो B7B रहती है, जो काफ़ी गहरा जो ब्लैक कालापन पेंसिल एक बात की जाए तो ड्राइंग बनाती है। अब इनसे कुछ क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं उनसे देखेंगे कि ड्राइंग शीट का माप 594x841 mm होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये किसकी माप है, जैसे कि मैंने बात की थी, तो जो पहली माप रहती है वो कितनी रहती है, आठ सौ इकतालीस ग्यारह नवासी। तो आप देखोगे इसको क्या करोगे, 841 इधर ले जाओगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या, A0 ये वाली थी, तो इसके बाद क्या आती है, A1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। आगे देखें तो 4H, 5H, इस तरीके से 9H किस पेंसिल का है, तो आपने देखा होगा 9H जो रहती है वो सबसे क्या रहती है, हार्डनेस रहती है, और ये किस श्रेणी में आती है, हार्ड पेंसिल में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, चित्र में प्रसिद्ध पी का नाम क्या होता है, तो ये जो है ना, ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, ब्लेड इन्हें बोलते हैं ब्लेड। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये टी स्क्वायर होता है, और इसका क्या, ये जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचने के लिए काफ़ी यूज किया जाता है, और वैसे तो मिनी ड्राफ्टर से ही सब कुछ काम हो जाता है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है ये। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये हेड रहता है, ये ब्लेड रहती है, इसमें क्या 90 डिग्री का एंगल बना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता, तो मिनी ड्राफ्टर किसका कार्य नहीं कर सकता दोस्तों, मैंने बताया टी स्क्वायर का कार्य कर सकता है, प्रोट्रैक्टर का कार्य कर सकता है, स्केल का कार्य कर सकता है। तो कंपास जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा, ये मिनी ड्राफ्टर जो रहता है वो कंपास का कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अधिकतम किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो मीडियम पेंसिल होती है उनका यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ड्राइंग बोर्ड इस तरीके का होता है, और इसमें जो बैटन रहते हैं ये इस तरीके से, ये क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जो ड्राइंग बोर्ड रहता है वो पट्टियों का बना रहता है, इस तरह छोटी छोटी पट्टियों का, क्योंकि वो पतला रहता है, तो इसीलिए एक पट्टी में नहीं बना रहता। अब इसमें क्या होता है, ये पूरा एक होता है, इनको सपोर्ट के लिए ये जो है ना वो बैटन का यूज किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पट्टियों को सपोर्ट देने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और ड्राइंग बोर्ड बना किससे रहता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का बना रहता है, तो ड्राइंग बोर्ड जो रहता है वो जैतून, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, जैतून या योक की लकड़ी का बना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ड्राइंग बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों इसकी माप आपको याद रखना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टी जो टी स्क्वायर रहती है उसकी माप क्या रहती है, तो टी स्क्वायर की जो माप रहती है, जैसे कि बात करें T0, T1, T2 और T3, तो इसमें क्या रहती है, 1500, 1000, 700 और 500। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, और ड्राइंग शीट की आपको बात की जाए तो इसकी माप कैसे रख, ड्राइंग बोर्ड की आप कैसे माप रखोगे, याद रखोगे कि जो 1500 है वो क्या करो, आप यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 700 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या करो आप, ये 1000 इधर हो गया, ये 700, 700 इधर आ गया, 500 का इसमें इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर 500 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 350 आपको याद रखना है यहाँ पे, ओके 350 याद रखना, 1000, 700, 500, इस तरीके से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, ड्राइंग शीट जो रहे, ड्राइंग बोर्ड जो रहेगा उसकी लंबाई आपको याद हो जाएगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ इस तरह का रेड बटन दिया होगा और एक बेल आइकन आएगी उस पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।